सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू टुडे एडिटिंग जोन। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको सीवी एडिटिंग करना सिखाएंगे। देखिए तो गाइज, किस तरह से मैंने फोटो को एडिटिंग किया है। पहले वाला फोटो में देखते तो गाइज कितना ज़्यादा फर्क है, फेस भी स्मूथ नहीं है। तो फेस भी स्मूथ करना सिखाऊंगा और फेस को गोरा करना बताऊंगा और खुद का ही बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। आज खुद से ही बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा, इसी बैकग्राउंड को बिना बैकग्राउंड को चेंज किए ही मैं सीवी एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि हम आ चुके हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पे, तो चलिए हम अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस, यदि आप एडिटिंग करना चाहते होंगे, फोटो एडिटिंग करना चाहते होंगे, तो गाइस आपको लाइटरूम एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यहाँ से वो शेयर कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना फोटो। तो जैसे गाइस, हमने इस फोटो को शेयर किया है और इस फोटो को हमने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर गाइस हम क्या करने वाले हैं, इसका हम फेस को गोरा करने वाले हैं। फेस को गोरा करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से कलर ऑप्शन पर जाना होगा। तो यहाँ से इस वाले कलर पर क्लिक कीजिएगा फेस को और थोड़ा सा बैकग्राउंड को कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ से गाइस मिक्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा कलर पे क्लिक करने के बाद, और देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड में कौन कौन सा कलर है। तो सबसे पहले फेस को गोरा करेंगे। फेस को गोरा करने के लिए यहाँ पे आपको इस वाले कलर का सिचुएशन माइनस करना होगा और लेमनेस को बढ़ाना होगा। तो देख सकते हो गाइस फेस कितना अच्छे से गोरा हो चुका है। एंड यहाँ से रेड कलर का भी लेमनेस बढ़ा देना होगा एंड यहाँ से येलो कलर का भी लेवनेस बढ़ा देना होगा। तो येलो कलर का लेवनेस बढ़ा दीजिएगा और सेचुएशन को भी बढ़ा दीजिएगा। तो गाइस देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड कितना हरा भरा दिख रहा है। एंड यहाँ से गाइस ग्रीन कलर का सिचुएशन बढ़ा करके गाइस ह्यू को माइनस प्लस कर लीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस बैकग्राउंड का कलर किस तरह से ग्रेडिंग हो चुका है, कलर ग्रेडिंग। और यहाँ से गाइस हम यहाँ से ब्लू कलर का लेवनेस पर सॉरी गाइस सिचुएशन बढ़ा करके यहाँ से कर देंगे डन। सो डन करने के बाद गाइस अभी हमारा फेस इतना गोरा हो चुका है, यहाँ से गाइस थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे यहाँ पे प्रिंट को, और यहाँ से गाइस कलर सॉरी गाइस इफेक्ट पे जाकर क्लैरिटी बढ़ा देंगे। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ से आपको नीचे में आपको स्क्रॉल करके आना होगा और हल्का सा विग्रेंट को माइनस करना होगा, हल्का सा कर दीजिएगा और टिक पे जाकर के इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से गाइस इस फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो जैसा कि गाइस हमने बताया था फेस गोरा करना, फेस को स्मूथ करना और सीवी एडिटिंग करना, तो अभी हम गाइस फेस को गोरा कर लिए हैं और फेस को स्मूथ करने वाले हैं ऑटोडेस्क में। तो सिंपली आपको फेस को जूम करके इस वाले टूल पर क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस ट्रेडिशनल में आकर के ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ से गाइस हम ये वाला सेटिंग रखेंगे और यहाँ से गाइस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेटिंग रहेगा, सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट रहेगा। तो यहाँ से आपको स्मूथ सेलेक्ट करना होगा जब आप स्मूथ कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा जब आप स्मूथ कर रहे होंगे तो स्मूथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से फॉलो एंड स्ट्रेंथ को 10-12 के या 15 के आसपास रखिएगा, दोनों को एक साइज रखिएगा। और यहाँ से गाइस इस तरह से ब्रश का साइज पकड़ के इस तरह से ड्रॉ करना होगा। आपको फेस को जूम कर लीजिएगा, उसके बाद आप ब्रश को सॉरी गाइस ब्रश का साइज को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये नहीं कि आपको फेस जूम नहीं है, जूम आउट है, तो सिंपली आपको फेस को पहले जूम कर लेना होगा, इसके बाद आप ब्रश का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस हम फेस को स्मूथ करेंगे। तो देख सकते हो गाइस फेस कितना अच्छे से स्मूथ हो रहा है और फेस का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको ब्रश को घुमाना है। ये नहीं कि आपको यहाँ से फेस में एक में मिला देना होगा, जिस तरह से हम ब्रश को घुमा रहे गाइस जहाँ हमारा फेस का ड्यूरेशन अच्छा है, फेस स्मूथ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको करना होगा सिंपली। तो चलिए हम फेस को स्मूथ कर लेते हैं फास्ट और आप भी कुछ इसी टाइप से फास्ट कर लीजिएगा। और ब्रश का साइज़ को छोटा कर करके गाइस जहाँ पे कम स्पेस रहेगा वहाँ पे आपको इसी तरह से कर लेना होगा। सो फाइनली गाइस देख सकते हो हमने फेस को स्मूथ कर दिया है वीडियो को स्किप करके, क्या कि गाइस वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो सिंपली आपको कलर ऑप्शन पे जाकर के इन दोनों को सेम वहीं पे रहने देना होगा और इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे और सेम वही ब्रश गाइस सिंपली आपको सेम वही ब्रश रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पे आपको चेंजिंग करना है, तो स्मूथ सेलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पे गाइस कलर आ जाएगा, कलर आने के बाद सैचुरेशन को फुल कर देना होगा सॉरी गाइस ओपेसिटी को, और यहाँ से लिप्स को जूम करना होगा साइज को छोटा करके लिप्स के अकॉर्डिंग, और इस तरह से लिप्स को पेंट कर देना होगा। तो इस तरह से लिप्स को पेंट कर दीजिएगा तो लिप्स का कलर चेंज हो जाएगा। एंड आई में भी इस टाइप का लेंस टाइप से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो हम कर लेते हैं फटाक से। और आप करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी रहने देखिएगा। सो फाइनली हम इतना हो चुका है कंप्लीट। इतना करने के बाद इस फोटो को अब हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस यहाँ पे हम गाइस सीवी बैकग्राउंड बनाने वाले हैं, सीवी बैकग्राउंड बनाने के साथ गाइस सीवी एडिटिंग भी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इफेक्ट पर जाना होगा। इफेक्ट पर जाने के बाद गाइस आपको हम यहाँ पर सीवी एडिटिंग करते हैं पहले अपने कपड़ों पर। तो आर्टिस्टिक पर क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस फेटल वन का ऑप्शन दिख जाएगा सबसे लास्ट में, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ टाइम वेट करना होगा एंड इस तरफ का इफेक्ट लग जाएगा। तो इस पर आपको फिर से एक बार क्लिक करना होगा एंड इसकी फेडो को जीरो कर लेना होगा। यहाँ से मल्टीपल कलर ब्राउन एंड बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो कलर ब्राउन पे आकर के यहाँ से ऊपर में इधर जो ब्रश पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से इन्वर्ट कर देना होगा। तो इतना कर देने के बाद फिर से आपको रजिस्टर वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा और अपने टी शर्ट पर रजिस्टर कर देना होगा। टी शर्ट यदि आप जीन्स भी पहने होंगे तो जीन्स पर भी आप कर सकते हो रजिस्टर, यदि आप दोनों पर सीवी रखना चाहते होंगे। तो हम फाइनली हम कर देते हैं फास्ट। तो देख सकते हो गाइस हमने रजिस्टर कर दिया है। इतना रजिस्टर करने के बाद यहाँ से एक बार डन करेंगे, एक ही बार डन करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा।
एक बार डन करने के बाद आपको एडजस्ट करना होगा बारीकी से, तो एक बार डन कीजिएगा और यहाँ से फेडो को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, तो 10 के आसपास रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं डन। तो देख सकते हो गाइस हमारा कपड़े में सीवी इफेक्ट लग चुका है। अब हम बैकग्राउंड को कलर ग्राइंडिंग करके सीवी बनाने वाले हैं, तो सिंपली आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले कलर पर क्लिक करना होगा। तो इस वाले कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर रिप्लेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो एक सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल को अपने बैकग्राउंड में छोड़ना होगा, बैकग्राउंड में छोड़िएगा तो बहुत सारा कलर आ जाएगा गाइस। देख सकते हो गाइस हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और बैकग्राउंड में छोड़ रहे हैं, देख सकते हो गाइस बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। एंड यहाँ से गाइस माइन ह्यू को और मैक्स ह्यू को इस तरह से रिप्लेस करके गाइस आपको कलर के अकॉर्डिंग देख लेना होगा। और ऊपर रिप्लेस ह्यू को माइनस प्लस कर लीजिएगा, जो भी कलर का आप रखना चाहते होंगे बैकग्राउंड उस कलर पर आपको सेट करके यहाँ से करना होगा डन। तो गाइस हम माइन ह्यू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ताकि हमारा नीचे में जो दिख रहा है कलर वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ से गाइस इसको भी मैक्स ह्यू को भी इधर उधर कर के देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इतना रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं डन। सो देखिए तो गाइस हमारे बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज हो चुका है, सिर्फ अभी कलर भी चेंज हुआ है, अभी हम इसको सीवी जैसा बनाने वाले हैं। तो सिंपली आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले हम इसको ब्लर कर लेंगे। तो ब्लर वाला ऑप्शन दिखेगा नीचे में, इस वाले ब्लर पे क्लिक करना होगा और सेकंड नंबर वाले ब्लर पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा फोटो ब्लर हो चुका है। तो हम इरेजर ब्रश पे जाएंगे और यहाँ से इस पार्ट को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा गाइस, एक ही बार में आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। देख सकते हो गाइस एक ही क्लिक में हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। सो इतना कर लेने के बाद यहाँ से कर देते हैं डन। सो एक बार डन कीजिएगा और यहाँ से गाइस ब्लर वाला पे फिर से क्लिक करके आप इसकी स्ट्रेंथ को यानी कि क्वालिटी को आप हाई लेवल रख सकते हो या कम भी रख सकते हो, तो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। एंड इतना कर लेने के बाद यहाँ से गाइस कर देते हैं टूल ऑप्शन पे क्लिक एंड यहाँ से फिर से एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गाइस क्लैरिटी को बढ़ा देना होगा हार्ड। तो क्लैरिटी को बढ़ा दीजिएगा यानी यहाँ से कंट्रास्ट को बढ़ा देना होगा। कंट्रास्ट को बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ से आपको टेम को हल्का सा बढ़ा देना होगा और इतना कर लेने के बाद इरेजर ब्रश पे जाना होगा और ये वाला इफेक्ट आपको सिंपली बैकग्राउंड में दे देना होगा। यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना होगा तो आपका बैकग्राउंड इफेक्ट लग जाएगा और यहाँ से कर देना होगा डन। सो देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज होता जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा आप और आपको भी इसी तरह से करना होगा। फिर से टूल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस बार फिर से एडजस्ट पे क्लिक करके फिर से हल्का हल्का आपको क्लैरिटी कंट्रास्ट को बढ़ाना होगा। तो इतना कर लेते हैं हम, इतना करने के बाद यहाँ से कर देते हैं टेम को भी बढ़ा देते हैं और यहाँ से कर देना होगा डन। इस बार इरेजर नहीं करना होगा और बैकग्राउंड में सिलेक्ट नहीं करना होगा, तो दोनों में अप्लाई करना होगा। तो देख सकते हो गाइस हमारा फोटो में किस तरह से इफेक्ट लग चुका है। तो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड को और ब्लर करेंगे हम, तो इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से ब्लर पे जा करके ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे डन। सो डन कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो गाइस, हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो 15 के आसपास रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं डन। सो फाइनली गाइस हमारा एडिटिंग हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो इसी टाइप से एडिटिंग होता है गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में सीवी। तो इस फोटो को एचडी क्वालिटी में सेव करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेव हो जाएगा एचडी क्वालिटी में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।